I feel it, I feel you. I didn't want to do this. Baby, I love you so much. कहते हैं कि मोहब्बत का दस्तूर ही ऐसा है कि जब ये परवान चढ़ता है तो कुछ नजर नहीं आता। कुछ ऐसा ही 1999 में बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित का दिल श्रीराम नेने के लिए धड़कने लगा। माधुरी ने खुद अपनी प्रेम कहानी सुनाई है। मैं श्रीराम की जिस खूबी पर फिदा हुई थी वो ये थी कि उन्हें एक्ट्रेस माधुरी नहीं सिर्फ माधुरी से प्यार हुआ था। उन्हें तो ये तक नहीं पता था कि मैं इंडिया में कितनी पॉपुलर हूँ। पहली मुलाकात में उन्होंने मुझे एक सिंपल लड़की की तरह ही ट्रीट किया। उन्होंने जिस जुनून के साथ अपने प्रोफेशन और अपने मरीजों के बारे में बातें शेयर की वो मेरे दिल को छू गई। उनकी सादगी मुझे भा गई। माधुरी बताती हैं कि पहली मुलाकात के बाद हम दोनों ने एक दूसरे को कुछ समय तक डेट किया। वो अमेरिका में रहते थे, मैं यहाँ इंडिया में। हम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी रहे, फिर भी हमने एक दूसरे को बखूबी समझा। हमारी पसंद भी अलग थी। पहली डेट पर वो मुझे माउंटेन बाइकिंग पर ले गए थे। ये मेरे लिए अजीबोगरीब अनुभव था। माधुरी बताती हैं कि हम दोनों के ओपिनियन सेम नहीं हैं, पर हाँ गोल्स जरूर सेम हैं। डांसिंग को लेकर हमारे बीच मीठी नोक झोंक होती रहती है। बच्चों के लिए डिसीजन को लेकर भी कभी कभार नोक झोंक होती रहती है। बहरहाल मेरे करियर को लेकर वो इंडिया शिफ्ट हो गए, मेरे सपनों को अपना ख्वाब बनाया, उन्हें साकार करने के लिए मेरा पूरा साथ दिया। मेरे लिए इससे बेहतर प्यार की सौगात और क्या हो सकती है। लोग कहते हैं कि भला ये कैसे मुमकिन है कि नेने को मेरे बारे में पता तक नहीं था, पर ये सच है, नेने को मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं था। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान जल्द ही फिल्म भारत में नजर आने वाले हैं। इन दिनों भाईजान फिल्म की शूटिंग में बिजी हैं। हाल ही में इस फिल्म को लेकर एक खबर सामने आई है। सामने आ रही खबर के मुताबिक पहली बार सलमान फिल्म में बूढ़े व्यक्ति का किरदार निभाएंगे। अपने इस रोल के चलते सलमान ने एक खास व्यक्ति से सलाह भी मांगी है। फिल्म भारत से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि सलमान खान फिल्म भारत में पहली बार एक बूढ़े व्यक्ति का किरदार निभाते नजर आएंगे, जिसके लुक के लिए उन्होंने अपने पिता से सलाह ली है। सलमान भाई के पिता सलीम खान कई सालों से इंडस्ट्री में हैं और उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं। इसीलिए सलमान खान को लगता है कि इस मामले में सलीम साहब से बेहतर उन्हें कोई और सलाह नहीं दे सकता है। फिल्म भारत को अली अब्बास जफर डायरेक्ट कर रहे हैं। इस फिल्म में सलमान के साथ कटरीना कैफ लीड रोल में है। वहीं इनके अलावा फिल्म में दिशा पटानी, तबू, सुनील ग्रोवर, नोरा फतेही और जैकी श्रॉफ जैसे स्टार्स भी शामिल हैं। मैंने प्यार क्यों किया और गॉड टू सी ग्रेट हो जैसी फिल्म में सलमान खान की मां का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस बीना काक 65 साल की हो चुकी हैं। बीना सलमान के बेहद करीब मानी जाती हैं। सलमान तो रिश्ते निभाने में माहिर हैं ही, जब भी उन्हें मौका मिलता है वो बीना से मिलने पहुंच जाते हैं। बीना ने कई बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है। वो एक कांग्रेस नेता के तौर पर भी जानी जाती हैं। बीना ने साल 2005 में डेविड धवन की फिल्म मैंने प्यार क्यों किया से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। उस वक्त उनकी उम्र 51 साल थी। फिल्म में उन्होंने सलमान खान की माँ का किरदार निभाया था। इस फिल्म के बाद सलमान की ऐसी कई फिल्में रही जिनमें वो नजर आ चुकी हैं। उन्होंने सलाम ए इश्क, गॉड टू सी ग्रेट हो और दूल्हा मिल गया में भी काम किया है। बीना का कांग्रेस लीडर के तौर पर भी जानी जाती हैं। राजस्थान विधानसभा के लिए वो 4 बार चुनी गई हैं। 1998 से 2003 तक वो पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री रहीं। साल 2013 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में वो सुमेरपुर से बीजेपी उम्मीदवार से हार गई थी। सलमान खान बीना की बेटी अमृता की शादी में भी पहुंचे थे। वो अमृता को अपनी बहन की तरह ही मानते हैं।
बता दें कि अमृता एक सिंगर हैं और वो बॉलीवुड फिल्मों में गाने गा चुकी हैं। सलमान ने तो अमृता की शादी में बारात की अगुवाई भी की थी। सलमान से बीना काक के रिश्ते इतने गहरे हैं कि जब वो फिल्म प्रेम रतन धन पायो की शूटिंग राजस्थान में कर रहे थे तो बीना उनसे मिलने पहुंची। सलमान के गार्ड्स बीना को पहचानते नहीं थे तो उन्होंने मिलने से मना कर दिया। इस दौरान मेकअप मैन ने सलमान तक ये खबर पहुंचाई कि बीना उनसे मिलने आई है, जिसके बाद सलमान शूटिंग रोक कर उनसे मिलने पहुंचे और उनसे माफी मांगी। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज़ देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।